जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जाने वाली पैदल यात्रा, जो कि बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की 160 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसका रूट मैप अब हमारे पास आ चुका है। जो ऑफिशियल रूट मैप है वह आप वरदान एक्सप्रेस पर देख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में आप जानिए कि बागेश्वर धाम द्वारा निकाली जाने वाली 160 किलोमीटर की पदयात्रा का रूट मैप क्या है। पहले तो आपको ये बता दें कि ये रूट मैप सबसे पहले वरदान एक्सप्रेस के हाथ में आया है और ये बागेश्वर धाम से ऑफिशियल रूट मैप मिला है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यात्रा जो है वो कब से प्रारंभ होगी और इसका रूट मैप क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये यात्रा जो है वो यहाँ 21 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 नवंबर तक चलने वाली है, जिसका रूट मैप अब आप जानिए कि बागेश्वर धाम गंज टावर से ये यात्रा प्रारंभ होगी और 15 किलोमीटर चलकर कदारी फार मेसी कॉलेज जो है वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा। यानी कि 21 तारीख की रात का ये 15 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। उसके बाद यात्रा कदारी से प्रारंभ होगी और गठेरा यहाँ अंडर ब्रिज होते हुए पैप्टिक टाउन छतरपुर पहुँचेगी, जहाँ पर 17 किलोमीटर चलने के बाद रात्रि विश्राम छतरपुर के पैप्टिक टाउन में 22 नवंबर को होने वाला है। उसके बाद पैप्टिक टाउन से यात्रा अगले सुबह रवाना होगी और मऊ सहानिया मारा छत्रसाल स्मारक होते हुए यहाँ पे शांति कॉलेज नौगांव जो है वहाँ पर रात्रि विश्राम 23 नवंबर को होगा, जो कि पूरी यात्रा 21 किलोमीटर की होगी। फिर अगले दिन का पड़ाव जो है वो यहाँ से प्रारंभ होकर शांति कॉलेज नौगांव से प्रारंभ होकर बड़ा गांव टोल प्लाजा होते हुए देवरी रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम 24 नवंबर को होगा, जिसकी दूरी 22 किलोमीटर रहेगी। और इसके बाद अगले दिन का सफ़र प्रारंभ होते हुए यहाँ पर रात्रि विश्राम जो है वो ग्रामोदय मऊ रानीपुर में होगा, जो 25 नवंबर को होगा। यानी कि यहाँ पे ग्रामोदय मऊ रानीपुर में रात्रि विश्राम 25 नवंबर को गुरुदेव का होने वाला है, जिसकी दूरी 22 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद यात्रा प्रारंभ होते हुए यहाँ 17 किलोमीटर चलकर श्री राम पैलेस शारदा महाविद्यालय दुदिसी में रात्रि विश्राम 26 नवंबर को होने वाला है। फिर से सुन लीजिए, 17 किलोमीटर चलकर श्री राम पैलेस और शारदा महाविद्यालय धुदसी में रात्रि विश्राम 26 नवंबर को होगा। उसके बाद यात्रा प्रारंभ फिर होगी और यहां पड़ाव आगे चलेगा 17 किलोमीटर चलकर रेस्ट एरिया निवाड़ी में रात्रि विश्राम 27 नवंबर को होने वाला है। यानी 17 किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट एरिया निवाड़ी में रात्रि विश्राम 27 नवंबर को गुरुदेव का होगा और उसके बाद यात्रा बरुआ सागर होते हुए ओरछा धाम पहुंचेगी, जिसकी दूरी यहां पे करीब 15 किलोमीटर बरुआ सागर तक की है और उसके बरुआ सागर से लेकर ओरछा धाम की यात्रा 8 किलोमीटर की होगी। ओरछा में रात्रि विश्राम 28 नवंबर को गुरुदेव का होगा, वहीं पर ओरछा धाम के दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से आपने वरदान एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में जाना है कि महाराज श्री जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका जो पूरा रूट मैप है, कैसे वो यहाँ बागेश्वर धाम से ओरछा तक की यात्रा करेंगे और कहाँ कहाँ रात्रि विश्राम होगा। इसके साथ एक बात और आपको इस वीडियो में हम बता दें कि जहाँ जहाँ गुरुदेव जाएंगे वहाँ वहाँ मेला यानी कि महाकुंभ सा लगा रहेगा और जो लाखों भक्त उनके साथ चलने वाले हैं उनके रुकने खाने से लेकर तमाम इंतजाम यहाँ जगह जगह किए गए हैं। यानी कि जो यात्रा में शामिल होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है, वही यात्रा में शामिल हो पाएंगे, जिन्हें पूरे रास्ते भर खाने पीने का इंतज़ाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से रहेगी, बागेश्वर धाम के सेवादार तो रहेंगे ही, इसके साथ ही पुलिस का पर्याप्त बल यहां पे सड़कों पर साथ में चलेगा और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर की टीम भी साथ में चलने वाली है, ताकि यात्रा में चलने वाले
यात्री इनको जो भक्त हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से आपने पद यात्रा का पूरा रोड मैप जाना है। और एक और सूचना आपको दे दें कि ये बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली पदयात्रा है। इसके बाद 3 और नई पदयात्राओं को का भी जल्द घोषणा हो सकती है। उसकी भी पूरा रोड मैप से लेकर तमाम चीज़ें हम आपको वरदान एक्सप्रेस पर सबसे पहले बताएंगे और आप जानेंगे कि अगली यात्रा कहां से कहां होने वाली है। और ये 3 यात्राओं को उन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम किया है। अब उसकी तारीख आना बाकी है तो वो भी आपको सबसे पहले वरदान एक्सप्रेस बताएगा। इसीलिए हर अपडेट हर जानकारी जानने के लिए वरदान एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही ये पूरी यात्रा आपको वरदान एक्सप्रेस पल पल का अपडेट लगातार दिखाता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए ताकि घर बैठे लोग यात्रा का आनंद ले सकें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।